हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आज हमने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स फॉलो नहीं किए, उस वजह से हमें बहुत ही भारी लॉस हुआ। तो वो रूल्स अगर आप भी फॉलो नहीं करते हो तो आपको भी बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। एक, नियम नहीं मानने का कोई बहाना नहीं चलेगा। जो हम स्ट्रिक्टली प्लान बनाते हैं, सही बनाते हैं, बहुत सोच समझ के बनाते हैं, और फिर हम किसी, फिर बाद में हम कोई बहाना वो बना देते हैं, तो ऐसा बहाना नहीं बनाना है। टू, ट्रेंड नॉट फॉलोड। 1 मिनट, 5 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ। हमने ट्रेंड फॉर, हमने ये गलती की, हमने ट्रेंड के हिसाब से नहीं चले। हमने न्यूज़ वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस देखकर अनुमान लगा लिया कि मार्केट नीचे गिरेगा, इसलिए हम बहुत सारे पुट खरीद के बैठ गए। लेकिन हमने ट्रेंड नहीं देखा, ना 5 मिनट का नहीं देखा, 1 घंटे का नहीं देखा, मतलब ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं देखा। फिर ऑलवेज इंक्रीज प्रॉफिट, आपको हमेशा प्रॉफिट इंक्रीज़ करते रहना है। थ्री, नेवर ट्राई टू रिकवर लॉस। जो आप प्रॉफिट बनाओगे प्लान फॉलो करते हुए, वो प्लान अपना, वो उस प्रॉफिट से अपना, आपका अपना आप ही लॉस रिकवर हो जाएगा। आपको अपना अपना लॉस ऐसे अलग से लॉस रिकवर करने की स्पेशली कोशिश नहीं करना है। वो जो लॉस हो गया वो हो गया। फोर, इन ग्रीड डोंट लूज योर सेविंग्स। अपनी पूंजी को मत गवाइए लालच में। लालच करते हो कि आपको, आप ज़्यादा लालच कर लेते हो कि हम एक दिन में 10 लाख कमा ले, 20 लाख कमा ले, ऐसे एक दिन में आपको एक दिन का नहीं सोच के रखना है, और उसके चक्कर में आप अपने पूंजी को गवा देते हैं, अपने सेविंग्स को गवा देते हैं। फाइव, वी आर पुट ऑप्शन ट्रेडर्स। डोंट डू एनीथिंग इन अप मार्केट अगेंस्ट ट्रेड। हम पुट ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, तो हमें कुछ भी ऊपर के मार्केट में नहीं करना है, और या फिर अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना है। जैसे कि आज हमने अगेंस्ट ट्रेड किया, ट्रेंड किया था, हमने अपना अनुमान लगाया था, हम स्ट्रिक्टली उसी के ऊपर थे कि आज मार्केट नीचे करेगी, और हमने बहुत सारे पुट खरीद लिया, लेकिन ट्रेंड लास्ट तक बिल्कुल चलता रहा ऊपर का, लेकिन फिर भी हमने ट्रेंड फॉलो नहीं किया। सिक्स, बाई नियर 70-30 एंड स्टॉप लॉस एट 10 पॉइंट डिफरेंस। हमने ये रूल फॉलो नहीं किया कि हम 70-30 हमारा कि 70-30 में ही हमारा था कि हम बाय करेंगे, और स्टॉप लॉस था कि 10 पॉइंट के बाद हम लॉस नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन ये भी रूल हमने फॉलो नहीं किया। इफ़ यू फॉलो प्लान स्ट्रिक्टली, देयर इज नो चांस ऑफ लॉस, यू विल ओनली हैव प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। जो आप प्लान बनाते हैं, अगर आप उस पर स्ट्रिक्टली चलते हैं और वो सही प्लान है, तो कोई चांस ही नहीं है लॉस होने का, कोई चांस ही नहीं है लॉस होने का, आपका बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। फिर मैक्सिमम लिमिट इज 25% ऑफ अवेलेबल अमाउंट इन अकाउंट। ऑप्शन ट्रेडिंग आपको हीरो से ज़ीरो बना सकता है, तो 50-50% चांस है, तो ज़ीरो के भी चांसेस है। तो इसलिए अगर आप रिटर्न में सारे पैसे लगा देंगे, अपनी सारी सेविंग्स लगा देंगे, सारी पूंजी लगा देंगे, तो फिर वो ख़त्म भी हो सकता है। इसलिए आपको कम से कम लगाना है, कम 25% मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं लगाना अपने सेविंग्स का। टू, नेवर डू स्कैल्पिंग और एनीथिंग इन लॉस। आप जैसे कि ये ट्रेंड, जैसे जिस जो गलती ट्रेंड में है वो भी यही है कि जैसे कि हम ट्रेंड के हिसाब से नहीं चले, हमने बस अनुमान लगाया था, वैसे ही हमने अनुमान लगा रखा लॉस हो जा रहा है, और हम जैसे कि मान लो मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा है, पूरे लास्ट तक ऊपर तक चल रहा है, लेकिन हमें लगा नीचे गिरेगी, अब नीचे गिरेगी, तो हमने पुट खरीद रखा था, तो हमें लॉस में कुछ भी नहीं करना है। लॉस हो रहा है तो सीधा जल्द से जल्द निकलने की कोशिश करो। फिर थ्री, स्टार्ट विथ 1 लॉट ओनली। जब आप स्टार्टिंग में शेयर मार्केट करते हो तो आपको सिर्फ 1 लॉट से स्टार्ट करना है, 1 लॉट। फोर, टुडे वी डिड नॉट फॉलो स्टॉप लॉस प्लान। ये हमने फॉलो नहीं किया। टुडे वी डिड नॉट फॉलो स्टॉप लॉस प्लान, नॉट एग्जिट एट 70 एंड 30। हमने एग्जिट प्लान भी फॉलो नहीं किया, और स्टॉप लॉस प्लान भी फॉलो नहीं किया। ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, स्टॉप लॉस प्लान बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है सारी प्लान। फिर फाइव, नॉट फॉलोड प्लान टू नॉट टू एग्जिट इन प्रॉफिट।
हमें प्रॉफिट में कभी एग्जिट नहीं करना है, प्रॉफिट को धीरे धीरे बढ़ते रहना है, फिर ऐसा लगता है कि कम होने वाला है तब एग्जिट करना है। ओनली एग्जिट इन प्रॉफिट ओनली, नॉट फॉर अ प्लान टू नॉट सॉरी फ्रंट नॉट टू एग्जिट इन प्रॉफिट ओनली, मतलब हम प्रॉफिट में नहीं निकल गए, लॉस हो गया। ये भी एक रूल है कि हमें प्रॉफिट वो थोड़ा सा बढ़ने का टाइम देना है, लेकिन लेकिन जब पूरा लॉस होता गया और हमने ऐसे बढ़ते बढ़ते 150,000 ओनली एंड टेकन लॉस ऑफ 150,000 टू रिकवर लॉस ऑफ, तो मतलब हमने प्रॉफिट में ही प्रॉफिट था, हमारे प्रॉफिट आया था लेकिन हमने उसमें बुक नहीं किया है, उसके बदले हमें 150,000 हमने गवा दिए। टू रिकवर लॉस ऑफ 190,000 वी टेकन लॉस ऑफ 60,000 टू रिकवर लॉस ऑफ 190,000 वी टेकन लॉस ऑफ 60,000 हम 190,000 की लॉस को रिकवर करने के लिए हमने 60,000 और लॉस ले लिया। टू रिकवर दिस अमाउंट वी टेकन लॉस ऑफ 90,000 एक्स्ट्रा, फिर 90,000 फिर से ले लिया, टोटल लॉस 250,000 ऑन 7 सितंबर 2023। हमने उसके बाद 250,000 का लॉस ले लिया 7 सितंबर 2023। 6 वी कुड हैव स्टॉप्ड एट 35, 30, 25, 20, 15 बट वी कुड नॉट स्टॉप एट एनी प्लेस एंड गॉट लॉस ऑफ 150,000। हमारे पास इतने सारे मौके आए थे बट हम एक भी मौके पे नहीं रुक पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।